भारतीय जनता पार्टी द्वारा चौधरी भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष यह सोचते हुए बनाया गया कि यूपी में जाटों और किसानों को एक करने का काम प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, लेकिन यूपी में जाट और किसान तो एक नहीं हुए बल्कि किसानों ने उल्टा भूपेंद्र सिंह हाय हाय के नारे लगाकर यह बता दिया कि आने वाले चुनाव में भाजपा को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ताजा मामला जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी की गन्ना समिति का है, जहाँ गन्ना समिति के चुनाव को लेकर 12 पर्चे भरे गए जिसमें 10 पर्चों को रिजेक्ट कर दिया गया। जब किसानों ने पर्चे रिजेक्ट होने के बाद अधिकारियों से पूछी तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। किसानों का आरोप है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के कहने पर उनके पर्चे रिजेक्ट किए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी अपने चहेते को गन्ना समिति का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके बाद किसानों में आक्रोश फैल गया और राकेश टिकट गुट के नेतृत्व में किसानों ने गन्ना समिति के बाहर प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए किसानों ने भूपेंद्र सिंह हाय हाय के नारे लगाए। सत्ता में होने के बाद अगर प्रदेश के मुखिया के हाय हाय के नारे अन्नदाता लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं अन्नदाता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। कहीं भाजपा सरकार को आने वाले विधानसभा में इसका खामियाजा न उठाना पड़े, क्योंकि पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा वोट किसान और जाट ही है। आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या कारण है? हमारा प्रजा साहब बिना किसी आरोप के खारिज कर दिया गया। किस चीज का पर्चा भरा था? डेलीगेटी का। डेलीगेटी चुनाव का जी, क्यों खारिज किया गया? जानकारी कर दिया? जानकारी मिसा जी अगले हम सब खारिज हो जाएंगे, मैं चेयरमैन बनूंगा। कौन कह रहे हैं? नेता जी विजय सिंह। विजय सिंह तो भाई साहब से क्या क्या बता दूंगा सबका। भाई साहब कौन है? भूपेंद्र सिंह। किस पद पर है? अध्यक्ष जी साहब। अध्यक्ष? हाँ। तो अब क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे, हमारे पर्चे बहाल हो, गांव में रस्ता होना चाहिए हमारा। जनता ही जीते, ऐसा क्या फायदा बेईमानी से। तो आपके साथ भारतीय किसान यूनियन भी प्रदर्शन में है। हाँ, क्या आप कहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे हमारे पर्चे बहाल होने चाहिए। क्या प्रत्याशी थे जी? प्रत्याशी। क्या मामला है पूरा? मामला ये है साहब, हमारे ताऊ जी हैं विजय सिंह अबूनगर के, वो कहते थे अब से नहीं, कुछ दिनों पहले से कहते थे कब मुझ पर गुंडे हैं, बदमाश हैं, लाठी चलवा दूंगा और उठवा लूंगा, और प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं। कौन से प्रदेश अध्यक्ष? चौधरी भूपेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन सी पार्टी? उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सबके पर्चे कैंसिल करा दूंगा। तो साहब हमने पर्चे भरे और हमारा पर्चा कैंसिल कर दिया गया, हमें कोई आपत्ति नहीं बताई गई। जो धरने पे बैठे हैं आप, ये कब तक आपका धरना रहेगा? अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन हमारे पर्चा बहाल होने चाहिए। क्या मानते हैं आप, पर्चा किसके द्वारा कैंसिल करवाएंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह द्वारा। धरने पे बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? हमने साहब डेलीगेटी के पर्चा भरवाए, नो एक पर्चा मेरा बचा, नो कैंसिल, आठ कैंसिल। मेरे भाई अध्यक्ष जी के बहुत करीब हैं। कौन से अध्यक्ष? सगे भाई भूपेंद्र सिंह जी के। किस चीज़ के अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष। कौन सी पार्टी? बीजेपी के। और ये बहुत दिन से बात उड़ रही कि ये सब पर्चा कैंसिल होंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और नहीं तो मैंने कही साहब ऐसे बात है, बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, डेलीगेटी में कोई गलत काम नहीं होगा, और डेलीगेटी में ये हो गया। कितने लोगों के पर्चे कैंसिल हुए और क्या क्या मांगे? आठ लोगों के। दस लोगों के? आप क्या मांगे, किस लिए आप लोग धरने पे? हमारे पर्चा बहाल हो जाए, इलेक्शन हो जाए। अधिकारियों ने कोई वजह बताई किस वजह से पर्चे कैंसिल? नहीं, कोई वजह नहीं। क्या मानने को, राजनीति दबाव है या क्या, पर क्या वजह है? राजनीति दबाव। किसका दबाव मानते हैं? अध्यक्ष जी का, और छोटी पावर का कर लेगी। मैं भी कोई नेता ना, मैं भी कोई नेता ना हूँ। किस पार्टी के अध्यक्ष हो? बीजेपी के। तो आप क्या, किससे मांग कर रहे हैं, किस लिए, कब तक धरने बैठे रहेंगे आप? जब तक साहब ये पर्चा बहाल ना होंगे।